और जीतन राम मांझी की जिस बातचीत के कुछ हिस्से आपने इस रिपोर्ट में देखे हैं, वो पूरी बातचीत आप देख सकते हैं जीतन राम मांझी की सीधी बात राहुल कंवर से आज रात 8 बजे आज तक पर। बहुत दिलचस्प बातचीत हुई है, जरूर देखिएगा। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। कोल्हापुर में लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी उमा पर हमला हुआ। बाइक सवार दो हमलावरों ने सुबह उस वक्त पानसरे दंपति पर गोलियां चलाई जब दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे और वहां से लौट रहे थे। हमलावरों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पुलिस की भारी मौजूदगी, लोगों की भीड़, माहौल में सनसनी। कोल्हापुर के सागरमाला इलाके के लोगों के लिए सोमवार की सुबह रोज जैसी नहीं थी। शहर के लोग दिन भर के लिए खुद को तैयार ही कर रहे थे कि गोलियों की तड़तड़ाहट ऐसी गूंजी कि इसकी आवाज पूरे देश तक पहुंचने में देर नहीं लगी। हमला हुआ था सीपीआई के सीनियर नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी उमा पानसरे पर, जब दोनों मॉर्निंग वॉक करके करीब 8 बजे अपनी आइडियल हाउसिंग सोसाइटी लौट रहे थे। कॉमरेड गोविंदराव पानसरे जी और उनकी पत्नी सुबह मॉर्निंग वॉक से घर वापस लौटते समय दो मोटरसाइकिल सवारों ने 3 गोलियां उन पर झाड़ी, उससे वो जख्मी हुए। कोल्हापुर के अस्टर आधार हॉस्पिटल में उन पर उपचार शुरू है। 80 साल के पानसरे को एक गोली गर्दन के पीछे लगी और एक गोली उनके हाथ को छूते हुए निकल गई। उनकी पत्नी उमा पानसरे को भी एक गोली लगी है। उमा की हालत खतरे के बाहर है जबकि पानसरे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वारदात की खबर लगते ही सूबे के गृह राज्य मंत्री राम शिंदे कोल्हापुर के लिए पहुंच गए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत 10 टीम फॉर्म की है या हमला करने वालों को पकड़ने के लिए, और मुझे आशा है कि इसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी और पानसरे साहब की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो, इसलिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। गौरतलब है कि पानसरे ने महाराष्ट्र में टोल टैक्स के खिलाफ मुहिम चलाई थी और एक दिन पहले ही उन्होंने साहू ग्रंथ महोत्सव में महात्मा गांधी के कातिल नाथुर राम गोडसे की तीखी आलोचना की थी। ऐसे में पानसरे पर हमला करने वाले कौन हो सकते हैं, इसे लेकर पुलिस हर मुमकिन संभावना को तलाश रही है। कोल्हापुर से दीपक के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।